जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के फर्दर जो रूल्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से डिफाइन हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सिमेंटिक रूल में, जैसे ही मुझे पहली प्रोडक्शन मिले तो मैं क्या करूं, जो भी टाइप हो, पहली प्रोडक्शन में रूल अप्लाई हुआ हुआ है ये वाला एल डॉट इन इज इक्वल टू टी डॉट टाइप। और ये टी डॉट टाइप क्या है, ये बिल्कुल सिंपल रूल है, ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। टी डॉट टाइप इंटीजर भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। जब मुझे ये वाला रूल मिलेगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा तो मैं टाइप इंटीजर असाइन करूंगी, जब मुझे ये वाला रूल मिलेगा तो मैं रियल असाइन करूंगी। ये दोनों सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे एल, जब एल वन कॉमा आई डी जनरेट करेगा तो मुझे क्या करना है, ये देखें एड टाइप करनी है, वो एड एंट्री मैंने आपको बताया था, एक एंट्री मुझे बनानी है सिंपल टेबल की जिसमें कि मैं टाइप एड करेगी। तो जो भी एट्रीब्यूट मुझे मिलेगा उसकी मैं टाइप क्या सेट करूंगी, एल डॉट इन। और ये एल डॉट इन की टाइप जो है वो अभी हमने देखी कि हमें कहाँ से मिल रही है। इसी तरीके से जब भी मुझे कोई एल में से आई डी मिलेगी तो मैं हमेशा उसकी टाइप एड करूंगी, और इसकी टाइप वो वाली होगी जो इस एल की, एल डॉट इन की जो भी वैल्यू होगी वो मैं उसकी टाइप एड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्री हमने किस तरह से बनाया है कि एल डॉट इन इज इक्वल टू रियल। तो ये जब मैं आई डी थ्री निकालूंगी तो आई डी थ्री निकालने के साथ साथ, ट्री की नोड बनाने के साथ साथ मैं ये एक सिंबल टेबल की एंट्री भी जनरेट कर दूंगी। सही है, सिंबल टेबल रिकॉल करते हैं। सिंबल टेबल एक ऐसी जगह होती है टू डायमेंशनल, जहाँ पे हम अपने ग्रामर में जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, प्रोग्राम के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, वेरिएबल की, फंक्शन की, जो भी यूजर डिफाइंड होते हैं उन सबके एंट्रीज हम सिंबल टेबल में कर रहे होते हैं। तो हमने कहा था कि सिंबल टेबल को हम हर फेज में एक एक करके यूज करेंगे। तो जब हमने लेक्सिकल एनालिसिस का फेज किया था तो सिंबल टेबल में हमने वहां पर टोकन जनरेट किए थे और हमने आइडेंटिफायर्स जो है वो सिंबल टेबल में ऐड कर दिए थे, सिर्फ उनके नाम ऐड कर दिए थे। अब इस फेज में आके हमारे पास सिंबल टेबल ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने क्या किया है, सिंबल टेबल में आईडी की नाम ऑलरेडी मौजूद होगा, हमने उसकी टाइप ऐड करी है और उसकी टाइप हमें यहाँ पर ट्री को एनोटेट करने से मिल रही है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे समझ में आ गया।